हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल था टेक्निकल नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं देश और दुनिया जुड़ी कुछ नए टेक अपडेट्स। चलो इसे शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर जो पहली अपडेट निकल गई है वो यहाँ पर LG की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर LG जो है उसने ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, यहाँ पे ऑफिशियली सामने आ गया कि LG अपने W सीरीज के स्मार्टफोन को जो है वो 26 जून को इंडिया में लॉन्च करने वाली है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि वैसे काफ़ी सारे लीक्स निकल के आ रहे थे W सीरीज के बारे में कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे यहाँ पर बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन होने वाले हैं। और दोस्तों बाकी जब लॉन्च हो जाएगा 26 जून को इंडिया में, तब हमको पता चलेगा कि क्या कैसा होता है स्मार्टफोन और क्या होती है इसकी प्राइस। दोस्तों अगली अपडेट है वो यहाँ पर Xiaomi के बारे में। दोस्तों यहाँ पर Xiaomi का जो Mi Max है वो स्मार्टफोन जिसकी काफ़ी बड़ी यहाँ पे स्क्रीन होती थी, काफ़ी ही यहाँ पे बड़े स्मार्टफोन देखने को मिलते थे उसके तो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर Xiaomi के CEO Li Jun ने यहाँ पर बोल दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब आगे चल के यहाँ पर जो Mi Max के स्मार्टफोन है वो आगे नहीं आएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो Mi Max 3 था जो कि यहाँ पर इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था, वो यहाँ पर आखिरी स्मार्टफोन था Mi Max सीरीज का। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो Mi Note सीरीज के स्मार्टफोन है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ Mi की, ना कि Redmi की, Redmi Note तो चलते रहेंगे, बट यहाँ पर जो Mi Note हैं जो कि सिर्फ चाइना में चलते थे वो स्मार्टफोन भी हैं, अब आगे उस सीरीज के स्मार्टफोन आगे देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा ऑफिशियली यहाँ पे बताया गया है। और दोस्तों बाकी अब क्या करें, नहीं आएंगे तो ठीक है, लेकिन बाकी जो स्मार्टफोन है और खास बात है Redmi का जो नोट सीरीज है वो तो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों अगली अपडेट है वो है यहाँ पर Motorola One Pro के बारे में। दोस्तों यहाँ पर Motorola One Pro की है जो कुछ और पिक्स सामने निकल के आई, जिसमें हमको क्लियरली यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर हमको पीछे तरफ रियर में 4 कैमरा देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बाकी ये जो पिक निकल के आई है इसमें भी जो Motorola का फ़ोन है काफ़ी अच्छा लुक वाइज देखने में लग रहा है। बाकी दोस्तों जब ऑफिशियली अब देखते हैं कब तक आता है, क्या स्पेक के साथ आता है और किस प्राइस भी आता है, तब हमको पता चलेगा कैसा है ये स्मार्टफोन। दोस्तों अगली अपडेट है वो है यहाँ पर एक रिसर्च के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एक रिसर्च हुई है जिसके अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है हमारे स्कल्स हॉर्न के बारे में। दोस्तों यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि हमारी जो खोपड़ी होती है, स्कल्स होते हैं, वहाँ पर एक चोंच देखी गई है जो कि यहाँ पर जिसका मेन रीज़न वो है स्मार्टफोन का यूज़। मतलब क्योंकि हम स्मार्टफोन का करते हैं ज़्यादा यूज़, तो जब हम सिर नीचे झुकाते हैं तो हमारे बैक तरफ यहाँ पर खोपड़ी में एक चोंच देखी गई है एक रिसर्च के अनुसार। और दोस्तों बाकी अब यही है कि मोबाइल का यूज आप ज़्यादा सर्च होगा कि ना कीजिए, आप सिंपल सामने तरफ देखते हुए कर सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे अब ये रिसर्च निकल के आई है कि वहाँ पे एक छोटी चोंच देखी गई है। दोस्तों अगली अपडेट है वहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M30S के बारे में। दोस्तों यहाँ पर ये स्मार्टफोन है ये Geekbench पर लिस्ट कर दिया गया है। दोस्तों ये स्मार्टफोन बन के आ रहा है गैलेक्सी M30 का सक्सेसर बन के आ रहा है, जहाँ पर इसमें हमको देखने को मिल रही है 4GB की रैम, एंड्रॉयड पाई पे रन होगा और साथ ही दोस्तों यहाँ पर Exynos 9610 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगले अपडेट है वो यहाँ पर Poco F1 के बारे में। दोस्तों अभी आप Poco F1 खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइस जो है वहाँ पर वो ड्रॉप कर दी गई है दोस्तों, लेकिन ये जो प्राइस ड्रॉप की है ये परमानेंट है या फिर टेम्प्रेरी है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं सकता। बट दोस्तों यहाँ पर ये स्मार्टफोन जो वेरियंट है इसका 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वो आपको मिल रहा है 17,999 रुपए में, जो कि लॉन्च टाइम पे इसकी प्राइस थी 20,999 रुपए। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको Mi.com और साथ ही Flipkart पर अवेलेबल है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप सोचिए 18,000 रुपए में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 845, इतने कम रेट में यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप इसको जरूर से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ बेल आइकन उसको दबा दीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो पर होगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।